Please subscribe to my YouTube channel, Just Eat Right. हेलो मेरे फूडी फ्रेंड्स, मैं हूं अनुष्का और आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना चिवड़ा। ये बनाना बहुत ही आसान है। साबूदाना चिवड़ा खास करके उपवास में खाया जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए जानिए ये कैसे बनाते हैं। चलो नोट कर लेते हैं हमें कितनी चीजों की जरूरत रहेगी साबूदाना चिवड़ा बनाने के लिए। सबसे पहले हम छिले हुए आलू को पीस लेंगे। किसी हुए आलू को हम पानी से निकाल के कॉटन नैपकिन पे रख देंगे। और एक नैपकिन लेके आलू को ऊपर से डैब कर लेंगे ताकि जो भी मॉइस्चर होगा वो चला जाए। अब हम किसे हुए आलू को तेल में फ्राई करेंगे। ऐसा ब्राउन कलर आएगा, हम उसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। हम एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में एक चम्मच तेल डालेंगे, उसमें आधा कटोरी मूंगफली, आधा कटोरी काजू, आधा कटोरी बादाम अच्छे से भून लेंगे। हल्का सा ब्राउन कलर करेंगे, ज़्यादा ब्राउन कलर ना करें। उपवास का चिवड़ा है तो हमने ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कम कर सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। अब हम एक हरा मिर्ची लेंगे और उसे भी फ्राई करके क्रिस्पी कर लेंगे। इतनी कम तीखा खाती हूँ तो मैंने सिर्फ एक मिर्ची लिया है। चलो अब हम फ्राई करते हैं साबूदाना। ये साबूदाना जो चिवड़ा में यूज़ किया जाता है ये नायलॉन साबूदाना है। नायलॉन साबूदाना रेगुलर साबूदाना से साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। अब हम साबूदाना को तेल में मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे। धीरे धीरे से साबूदाना को तेल में छोड़ेंगे और अच्छे से घुमाएंगे। साबूदाना फूलना ज़रूरी है तो ही वो क्रिस्पी होगा। 3 से 4 मिनट तक मीडियम आंच पे साबूदाना को फ्राई करें। इस रेसिपी के लिए साबूदाना को भिगोने की ज़रूरत नहीं है। साबूदाना अच्छे से फ्राई होने के बाद उसे हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे। फिर आप 10-12 कड़ी पत्ता लीजिए। कड़ी पत्ता को भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए। जब तक कड़ी पत्ता क्रिस्पी हो जाए तब तक उसे फ्राई करें। चलिए अब सब चीज़ें अच्छे से मिला लें और साबूदाना चिवड़ा बना लें। हम सब अच्छे से मिला लेंगे। सबसे पहले फ्राई किया हुआ साबूदाना, उसके बाद फ्राई किया हुआ आलू, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, भुने हुए काजू, बादाम, मूंगफली, फ्राई किए हुए कड़ी पत्ता, फ्राई की हुई हरी मिर्ची,
एक चम्मच पिसा हुआ चीनी, उपवास का नमक स्वाद के अनुसार, ये सब अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है। 2 मिनट हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लें। अब हमारा ये साबुदाना चिवड़ा सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे चाय के साथ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी की रेगुलर अपडेट के लिए मेरे YouTube चैनल जस्टी ट्राई को सब्सक्राइब करें।